जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मेरी कुलीग हैं, बट शी इज़ नॉट रेडी टू ज्वाइन मी, तो मैं पे अकेली ही हूँ। तो आज जो थॉट मैंने आपसे शेयर करनी है वो है कि दैट यू शुड ट्राई टू ट्राई नॉट टू लेट योर इनर चाइल्ड डाई। और आप उस इनर चाइल्ड को जिंदा रखने के लिए क्या करेंगे, दैट यू वुड हैव टू कीप अ जर्नल, एक डायरी रखें, और उसमें डेली की आप रूटीन या नॉट द माइन्यूट थिंग्स, लेकिन जो मेजर एक्टिविटीज़ आप दिन में करते हैं या कोई चीज़ अचीव करते हैं, गेन करते हैं, लूज़ करते हैं, कोई नेक काम करते हैं, आपसे गलती हुई होती है और उसके बाद आप रिग्रेट कर रहे हैं, तो उसको ना आप नोट डाउन कर लें डेली जर्नल्स में। हाँ नहीं भूलूँगी, याद रखूँगी। तो अच्छा, फिर वो डेली जर्नल जो है वो आपको ना फ़ायदा ये देगा कि आप एक तो आपकी राइटिंग, आपकी क्रिएटिविटी, और ये हर एज के लिए, क्योंकि लर्निंग जो है ना वो हर एज के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चे सिर्फ लर्न कर सकते हैं, बड़े लर्न नहीं कर सकते, बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो आपकी राइटिंग, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुदस्सर आप? हाँ ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ये है अनलीप, शी इज़ नॉट रेडी टू ज्वाइन मी। और आज आप तो भी सलाम कर। हाँ, ये मुदस्सर हैं हमारे बहुत ही सीनियर कुलीग हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं। ये कुछ ज्यादा हो गया। बाय बाय। तो आपने करना है कि आपने जर्नल लिखना है, आई एम सॉरी। तो आपने उस जर्नल में आपने डेली की अपनी एक्टिविटीज लिखनी है, मेजर है या माइनर है, ठीक है? बहुत माइनर माइन्यूट में आप ना जाएं, आप उसको मेजर में रखें। अगर आप बच्चे हैं, छोटे हैं, आप टीन एज हैं, तो आप अपनी माइन्यूट एक्टिविटीज भी रखें। उससे आपकी ग्रामर स्किल इम्प्रूव होगी, उससे आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होगी, आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी। और जो डॉक्टर मेडिकली प्रूवन चीज़ है वो ये है कि डेली जर्नल से ना आपकी सेहत भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप कैथारसिस कर लेते हैं वट एवर योर फीलिंग। आप किस चीज़ पर रिग्रेटेड हैं और आपको दुख हो रहा है, आपको परेशानी है, आप खुश हैं, तो एक्सप्रेशन जो होते हैं ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए। तो ट्राई टू जॉट डाउन और लिखें, लिखने की कोशिश करें, डायरी रखें अपने बेड के साइड टेबल पे, आपकी डायरी हो, और आपके हर रोज़ रात को सोने से पहले आप अपना एक जायज़ा लें अपने पूरे दिन का कि आपने हाउ डिड यू स्पेंड योर टाइम, क्योंकि जो वक्त है ना वो बहुत बड़ी दौलत है। और उसको आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे, यू आर डूइंग नथिंग, लेकिन आप पॉजिटिव वे में गुजार रहे हैं और यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव पीपल्स टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं, और यू आर ट्राइंग टू स्पेंड योर टाइम वाइजली, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और लड़ने झगड़ने में, नेगेटिव होने में, और आप लोगों की खामियां गिनने में आप कर रहे हैं, तो फिर वो आप एक तो वक्त भी ज़्यादा कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अकलौती चीज़ ऐसी है जो आप आफ्टर क्रॉसिंग 30 आपको पता चलेगा कि ये यू कॉन्ट गेन इट बैक। तो इसको वाइजली और ऑनेस्टी से स्पेंड गुजारें और ज़ाया होने से बचाएं, और खुश रहें, खुश रहने दें, और कीप अ जर्नल, ट्राई टू स्टिक टू माई चैनल, और ट्राई नॉट टू गो एनी वेयर, और इसको स्प्रेड करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट तो मस्ट करें, आपको जो वट एवर इज कमिंग इन टू योर माइंड, लेकिन पॉजिटिव, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, स्टे इन कॉन्टैक्ट, इन टच।